दोस्तों, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, लड़ाई का इस्तेमाल हर कोई करता है अपने लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। जैसे कि किसी जानवर को भोजन प्राप्त करना हो, या फिर किसी मादा के लिए लड़ना हो, या फिर अपनी जान बचाना हो किसी और जानवर से। सो आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसी जानवरों के लड़ाइयों को देखोगे। सो दोस्तों, वीडियो काफी कमाल की बनी है, तो इसे पूरा जरूर देखना। और चैनल पर पहली बार आओ तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, माउंटेन लेपर्ड अटैक। सो दोस्तों, आप में से कई लोग माउंटेन लेपर्ड के बारे में तो जानती होंगे, और आज इसने अपना शिकार बनाया माउंटेन गोट्स को। और जैसे कि ये बकरियां लड़ाई करने में व्यस्त थी, तो इसका फायदा उठाया माउंटेन लेपर्ड ने। इस लेपर्ड ने एकदम शांति से इन बकरियों के ऊपर हमला कर दिया, और ये सीन देखने में भी बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इन चढ़ाइयों में बस यही जानवर ऐसे दौड़ सकते हैं। और आखिर में माउंटेन गोट कूद जाता है पानी में और अपनी जान बचा लेता है। नंबर सेकंड, कंगारू फाइट। सो दोस्तों, किसी भी कंगारू के झुंड में एक अल्फा मेल होता है जो डोमिनेटिंग करता है पूरे ग्रुप में, और ये जो अल्फा मेल रहता है इसी के पास हक रहता है सारी फीमेल्स के साथ मेटिंग करने के लिए। और इसी के चलते कोई भी मेल कंगारू चाहता है कि वो किसी ग्रुप का लीडर बन जाए, पर इस पद को हासिल करने के लिए उसे चैलेंज करना पड़ेगा अल्फा मेल को। और ऐसा जब भी होता है तो मानो इन दोनों के बीच में बॉक्सिंग फाइट शुरू हो जाती है, और ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि किसी की जान भी जा सकती है इस मुकाबले में। इस लड़ाई में एक्सपीरियंस और ताकत और स्किल्स की जरूरत बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि अगर ये सब आपके पास है तो भी आप इस लड़ाई में जीत पाओगे। हालांकि अभी जो आपने लड़ाई देखा उसमें जीत जाता है अल्फा मेल, और नौजवान कंगारू को कहीं और अपनी किस्मत आजमानी पड़ती है। नंबर थर्ड, इग्वाना वर्सेस स्नेक। सो दोस्तों, क्या आपको पता है बहुत सारे सांप टीम वर्क में काम करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और आज इस छोटे से इग्वाना की किस्मत बहुत ही खराब थी, क्योंकि ये सांप के इलाके में आ जाता है। हालांकि इस इग्वाना को पता है कि सांप मोशन को डिटेक्ट करता है, जिस कारण वो काफी देर तक स्थिर बैठा रहता है, पर इस सांप को भी बहुत ही जल्द इग्वाना की स्मेल आती है, जिस कारण वो आसपास ढूंढने लगता है। फिर जैसे ही इग्वाना को लगता है कि अब बात नहीं बनने वाली, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और इस इग्वाना को भागते देख आसपास के जितने भी सांप रहते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। हालांकि ये नजारा देखने में काफी डरावना है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, सांप टीम वर्क में ज्यादा अच्छा काम करते हैं, जिस कारण बहुत ही जल्द इन सभी सांपों ने इस इग्वाना को जकड़ लिया, और अतः इग्वाना को अपनी जान खोनी पड़ती है। नंबर फोर, ड्रोंगो वर्सेस मियरकैट। सो दोस्तों, आप सभी मियरकैट के बारे में जानती होंगे, जो रेगिस्तान में अधिकतर पाए जाते हैं, और आज इसका दुश्मन एक बहुत ही शातिर कौवा जिसका नाम है ड्रोंगो। और ये कौवा असल में मियरकैट को मारता नहीं है, पर उसका शिकार को चुरा लेता है, और ऐसा करने के लिए वो नकली सिग्नल देता है मियरकैट्स को कि कोई शिकारी उनको मारने आ रहा है, जिस कारण जब मियरकैट्स अपने शिकार को वहाँ से छोड़कर भाग जाते हैं, तब वो ड्रोंगो आकर वहाँ पर उसे खा जाता है। इसे ही कहते हैं चतुराई का काम। सो दोस्तों, आज आपने देखा जंगली जानवरों की कुछ ऐसी लड़ाई जिसे आपने शायद ही पहले देखा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मित्र अगले वीडियो में, तब तक ले अपना ध्यान रखिए।